हेलो बच्चों, एक न्यू क्वेश्चन के साथ मैं फिर से आपके सामने हूँ। चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सो दैट द वेक्टर्स 2i-3j+4k एंड वेक्टर -4i+6j-2k आर कॉलिनियर। दो वेक्टर कॉलिनियर कैसे होता है, अभी हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो इस वेक्टर को आप सपोज कर लो वेक्टर ए, और इस वेक्टर को सपोज कर लो वेक्टर बी। तो मैंने सपोज किया, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू द, कितना ये रहा मेरा 2i, ये रहा मेरा माइनस का 3j, और ये रहा प्लस का 4k। एंड वेक्टर बी कितना है, ध्यान से देखें, वेक्टर बी अपने पास है माइनस का, ये रहा मेरा 4i, और ये रहा 6j, ये 6j, और माइनस का 8k। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, अगर दो वेक्टर जब पैरेलल होता है तो क्या कंडीशन होता है उसको पहले हम देख लेते हैं। अगर दो वेक्टर, मानो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, पैरेलल है या कॉलिनियर है, पैरेलल है या कॉलिनियर है, दोनों कंडीशन ध्यान से सुनना। तो यहां पर होता है वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, या ठीक है ना, वेक्टर बी इज इक्वल टू द लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। ये होता है, आपके माइंड में फिट होना चाहिए, ठीक है ना, कॉलिनियर के लिए एंड पैरेलल के लिए दोनों कंडीशन यही, ठीक है ना, फुलफिल करता है। और आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो देखो यहां पर कंडीशन क्या हो रहा है, लेमडा क्या है, एनी कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेमडा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखें यहां पर वेक्टर बी, ये जो था वेक्टर बी से इस साइड अगर मैं -2 कॉमन ले लेता हूं, तो इसका यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i, ये माइनस का था तो प्लस, ये प्लस का था तो ये रहा मेरा माइनस, और ये माइनस का था तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस। तो ध्यान से बच्चों देखो, ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो वेक्टर ए के बराबर है। तो हमें यहां से देखने को मिल चुका है, क्या मिला, वेक्टर बी इज इक्वल टू द लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, और लेमडा यहां पर कितना है, -2। तो हम बोल सकते हैं क्या, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, कॉलिनियर वेक्टर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं फिर से मिलूंगा बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।